इस पूरे प्रकरण में जो प्रथम पुलिस को गुमराह करने के लिए विक्टिम भी इसमें शामिल है, क्योंकि जो आपसी रंजिश में किन्हीं का जो है नाम दिया गया था, जसीम या कुछ अन्य लोगों का जो है नाम दिया गया था, तो वो सरासर गलत है। और जब हम लोगों ने राजेश झा को और सुदीप को गिरफ्तार करने के बाद लोगों ने स्वीकार किया है कि सारे जो कांड जो हुआ है वो बेसिकली गुलशन श्रीवास्तव ने ये फायर किया है, जो अनुभव के बाय में लगा हुआ है और कुछ ना कर, यानी कि उनको पता नहीं चला कि क्या करना है, तो तुरंत जो है वो लोग कहानी थोड़ा सा दूसरा अलग से क्रिएट करने लगे। तब जो है हम लोग जब इनको पकड़ने के बाद जो है स्वीकारोक्ति बयान में उन्होंने पूरा घटना का क्रम जो है कबूला है। ऑफिस में है, देखो अभी हमको जो गुलशन श्रीवास्तव पुलिस की गिरफ्त में बाहर है और उनके पकड़ने के जो गुलशन को पकड़ने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जो दूसरी बात है कि अनुभव जो जब इलाज करने के क्रम पे मेडिकल हॉस्पिटल में गया था, तब बहुत सारे डॉक्टर्स को उन्होंने धमकाया है और चाकू भी दिखाया है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस से हमारे डॉक्टर्स जो है लड़ रहे हैं कोरोना वायरस को बचाने के लिए, उसमें जो है डॉक्टर्स को जो है धमकाया है, वो अनुभव के अगेंस्ट में भी और उनके परिवार के अगेंस्ट में भी जो भी धमकाया है उनके अगेंस्ट में भी हम लोगों ने एक FIR टाउन थाना अंतर्गत जो है 353 धारा 385 के अंतर्गत उनको FIR उनके अगेंस्ट में जो है FIR दर्ज किया गया है। 20 में सुबह करीब 9 बजे के आसपास एक गोली चलने की बात पुलिस के सामने आई है और उसमें अभिनव जो है अभिनव ओझा जो है उसमें बाएं में उनको गोली लगा था। प्रथम दृष्टिया से जब वो हम लोगों ने इनको पूछताछ करने लगे तो वो अलग से कहानी बताने लगा, बट हमारा इन्वेस्टिगेशन में जब हमने जैसे ही कांड हुआ तो SDPO सदर और इंस्पेक्टर टाउन और इंस्पेक्टर मुफसिल के नेतृत्व में हम लोगों ने एक टीम गठित किए थे और उस टीम के आधार पर जो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो तीन अभियुक्त जो है हम लोग के सामने आया है और उसमें से हम लोग अभी दो अभियुक्त गण को जो है पकड़े हैं और आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। उसमें से राजेश झा और सुदीप, ये दोनों जो है एक बाबूपुर में एक होटल है, ऋषि कृषि नाम का होटल है, वहाँ पर ये कांड हुआ था 18/4/2020 में। और उसमें गोली खेलते खेलते पबजी का गेम खेल रहे थे और उसी बीच में जो मेन अभियुक्त है जो गुलशन श्रीवास्तव है, उन्होंने कहा कि मजाक में जो है यानी कि पबजी खेलने का छोड़ो और रियल गेम खेलना है, तो इसी बीच में जो है ये उनके यहाँ पर जो हथियार था उसमें गोली चल गया और उसके अनुभव के बाय में जो है वो लग गया और उसके बाद जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल पहुंचे और फर्दर इलाज के लिए हम लोगों ने उनको दुर्गापुर पहुंचाया है।